क्लास 10th मैथ वालों के लिए सबसे आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। यानी कि यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है SCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM 306, 657 ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ दो संख्या दिया है जिसका जो HCF है, HCF का 9 दिया है और इस दोनों संख्या का LCM ज्ञात करना है जो क्वेश्चन में है। चलिए उसको हम पहले राइट कर लेते हैं। सॉल्व दिया है HCF 306, 657 बराबर 9 है और हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। हमारे पास दो संख्या है, 306 है और 657 है, तो हम लिखेंगे, तो वो दो संख्या को पहले हम राइट कर लेंगे, 306 इंटू 657 और HCF कितना है हमारा, 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 इंटू LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्या यहाँ है और दो संख्या यहाँ है। अगर हमें चारों में से अगर तीन संख्या पता होगा और एक संख्या नहीं पता होगा तो हम इसे इस फॉर्मूला पे आसानी से रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो संख्या लिख दिए और LCF के जगह पे 9 लिख दिए और LCM हमें ज्ञात करना है। तो अब हम करेंगे क्या कि LCM बराबर, अब इस संख्या को इस साइड कर देना है, 306 इंटू 657 बटे के जो इसके साथ संख्या होती है इसे हम नीचे राइट कर देते हैं। अब हम इसे कट करते हैं, 3 3 9, 102 3 306। अब 102 को कट करते हैं तो 34 3 102। अब फाइनली हमारे पास कितना बचा, 34 इंटू 657। तो अब इन सब का हम गुणा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गुणा करने। गुणा करने पे आंसर हमारा आता है 22,338। ठीक है, फाइनली कितना आ जाता है, यानी कि अगर हम 657 में 34 का गुणा करेंगे तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, 22,338। और यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।